साल 2004 में भारतीय क्रिकेट टीम में दो नए विकेट कीपर ने अपना डेब्यू मैच किया था, जिसमें से एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे थे दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक नामक युवा विकेट कीपर ने भारतीय क्रिकेट टीम में अपना डेब्यू किया था। उनका क्रिकेट जीवन परवान चढ़ रहा था और सन 2007 में अपने बचपन की दोस्त निकिता बंजारा से शादी की। दिनेश और निकिता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बड़े खुश थे। दिनेश रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु टीम की कप्तानी भी कर रहे थे। उनके खास दोस्त थे तमिलनाडु की टीम के ओपनर, जो बाद में भारतीय क्रिकेट टीम और CSK का हिस्सा बने, मुरली विजय। तो एक दिन निकिता बंजारा की मुलाकात दिनेश कार्तिक की इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय से हुई। मुरली विजय को निकिता पहले बार में ही पसंद आ गई। भोले भाले दिनेश कार्तिक को इस बात को महसूस नहीं कर पाए। निकिता और मुरली विजय के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी और कुछ ही समय में दोनों का अफेयर शुरू हो गया। दोनों खुलकर मिलने लगे। दिनेश कार्तिक के अलावा पूरी तमिलनाडु क्रिकेट की टीम जानती थी कि मुरली विजय अपने कप्तान दिनेश कार्तिक की पत्नी के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। फिर आया और धीरे धीरे दिनेश कार्तिक लगभग 2004 से लगभग 2012 तक T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने और उनका जो क्रिकेट था करियर उतना बेहतरीन नहीं गया, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने एक विकेट कीपर और कप्तान के रूप में अपनी जगह पूरी तरह से बना ली थी, जिससे दिनेश कार्तिक को थोड़ी सी मुश्किल हुई। फिर आया वर्ष 2012, निकिता बंजारा प्रेग्नेंट हो गए थे, लेकिन तभी उसने धमाका करते हुए यह बच्चा मुरली विजय का बताया। दिनेश कार्तिक पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने निकिता से तलाक ले लिया। तलाक के अगले दिन ही निकिता ने मुरली विजय से शादी कर ली और महज 3 महीने बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। दिनेश कार्तिक डिप्रेशन में चले गए। वह मानसिक तौर पर बीमार रहने लगे। वह अपनी पत्नी और दोस्त मुरली विजय की इस धोखे को आसानी से भुला नहीं पा रहे। वे शराबी हो गए। सुबह से लेकर शाम तक शराब पीने लगे। एक देवदास की तरह बिहेव करने लगे। उन्हें भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया। रणजी ट्रॉफी में भी वे पूरी तरह से असफल हो गए। तमिलनाडु की टीम की कप्तानी उनसे छीन ली गई और मुरली विजय को नया कप्तान बना दिया गया। असफलता का यह दौर यही नहीं थमा। उन्हें IPL में भी टीम में नहीं खिलाया गया। उन्होंने जिम जाना भी छोड़ दिया। अंत में दिनेश इतना हताश हो गए कि वे सुसाइड करने तक की प्लान करने लगे। तभी एक दिन जिम में उनके ट्रेनर उनके घर पहुंचे। उन्होंने दिनेश कार्तिक को पूरी तरह से एक डेड अवस्था में पाया। उन्होंने कार्तिक को पकड़ा और सीधा जिम लेकर गए। कार्तिक ने मना किया, लेकिन उनके ट्रेनर ने उनकी एक नहीं सुनी। उसी जिम में भारतीय स्क्वैश की महिला चैंपियंस दीपिका पालिकल भी आती थी। जब उन्होंने दिनेश कार्तिक की स्थिति देखी तो ट्रेनर के साथ उन्होंने भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। ट्रेनर और दीपिका की मेहनत रंग लाने लगी। अब दिनेश कार्तिक सुधार की राह पे थे। उधर दूसरी ओर मुरली विजय का खेल निरंतर डाउन होता जा रहा था। इधर मुरली विजय को भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया था। बाद में उनकी खराब फॉर्म को देखते हुए IPL में चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरी ओर दीपिका पालिकल के सहयोग से दिनेश कार्तिक नेट पर जोरदार अभ्यास करने लगे। इसका असर दिखने लगा। दिनेश कार्तिक रणजी ट्रॉफी और घरेलू क्रिकेट में बड़े बड़े स्कोर बनाने लगे। शीघ्र ही उन्हें IPL में भी चुन लिया गया और कोलकाता नाइट राइडर का कप्तान भी बनाया गया। दिल्ली दीपिका पालिकल के वह बहुत नज़दीक आ चुके थे। उन्होंने दीपिका पालिकल से शादी कर ली थी। क्रिकेट की उम्र के अनुसार दिनेश अब बूढ़े हो चुके थे। भारतीय क्रिकेट में अब ऋषभ पंत का आगमन हो चुका था। कार्तिक समझ गए कि अब उनका करियर समाप्त है। उन्हें क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। इधर उनकी पत्नी दीपिका पालिकल प्रेग्नेंट हुई और उसने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। दीपिका का स्वस्थ खेलना भी रुक गया। दीपिका और कार्तिक की इच्छा थी कि चेन्नई के संभ्रात इलाके पोएस गार्डन में एक बंगला हो। 2021 में चेन्नई के इसी इलाके में महलनुमा घर को खरीदने का ऑफर उनके पास आया। दिनेश ने उसे खरीदने का फैसला किया। सब आश्चर्य कर रहे थे कि जब दीपिका और दिनेश दोनों ही करीब करीब खेल की दुनिया से बाहर हो चुके, तब इतना महंगा सौदा वो कैसे पूरा करेंगे। तभी दिनेश को सूचना मिली कि चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से महेंद्र सिंह धोनी उन्हें विकेट कीपर के रूप में वापस टीम में देखना चाहते हैं। 2022 का IPL का ऑक्शन शुरू हुआ, लेकिन इस बार चेन्नई की जगह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उन्हें खरीद लिया। दिनेश की पत्नी दीपिका ने भी खेलना शुरू किया और अपने जुड़वा बच्चों के जन्म के महज 6 महीने बाद उन्हें स्वेस की वर्ल्ड चैंपियनशिप में ग्लासगो शहर में मिक्स डबल के साथ महिला युगल का खिताब जीत लिया। उनकी पार्टनर थी जोशन जे पुनप्पा। पत्नी की सफलता और नई टीम के साथ जुड़कर दिनेश कार्तिक में भी ऊर्जा का संचार हुआ और उन्होंने 2022 के IPL में कमाल दिखाना शुरू कर दी। एक के बाद एक मैच जिताऊ पारी खेली और उन्हें इस IPL का सबसे बड़ा फिनिशर माने जाने लगा। IPL में उन्होंने 8 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन ठोके। मैच समाप्ति पर जब दिनेश कार्तिक ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो विराट कोहली ने उन्हें झुककर सम्मान दिया। अब दिनेश कार्तिक भारतीय T20 की टीम में आने के सबसे बड़े दावेदार बन गए। 37 साल की उम्र में दिनेश कार्तिक इस वर्ष के IPL में सबसे धमाकेदार खिलाड़ी बने हैं।
दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी शामिल किया गया है एक मैच फिनिशर के रूप में। दिनेश कार्तिक के द्वारा खेले गए नेदहास ट्रॉफी के फाइनल मैच में शायद उनकी पारी को कभी कोई भुला नहीं सकता। उनकी यह सफलता कहानी सभी को जाननी चाहिए। नीचे गिरकर उठना किसे कहते हैं, यह कार्तिक का जीवन बताता है। हमेशा इंसान को संयम बनाए रखना चाहिए, परिस्थिति से लड़ते रहें, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। और आज दिनेश कार्तिक उन बहुत से लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में है जो अपने खराब दौर से गुजर रहे हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।